हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑटोमेशन। आज हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट चोक के ऊपर। दोस्तों, ड्राइव के इनपुट में आउटपुट में हम अक्सर चोक लगाते हैं, कभी कभी दोनों साइड लगाते हैं, कभी कभी एक भी साइड में लगाते हैं। तो कब कहां लगाने से क्या फायदा है उसके बारे में बात करेंगे, और उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंडक्टेंस की वैल्यू, उसके परसेंटेज इम्पीडेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चोक जो है वो पावर लाइन में दोस्तों जो भी डिस्टर्बेंसेस आते हैं उनको ड्राइव तक पहुंचने से रोकता है। दोस्तों, इनपुट चोक जो है वो एसी डीसी दोनों ड्राइव में यूज किया जाता है, जबकि आउटपुट चोक जो है वो सिर्फ एसी मोड ड्राइव में ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह का कुछ दिखता है, ये इनपुट में लगा हुआ है और ये इनपुट में और ये आउटपुट में लगा हुआ है। ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, आप जरूरी नहीं है कि आपको लगाना ही है, ठीक है ना। लगाना ही है तो उसके फायदे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इनपुट में लगाने क्या क्या फायदे हैं, चलिए वो देख लेते हैं। ये देखिए, ऐसा कुछ दिखता है इसमें, यहाँ पे ये चोक लगा हुआ है, ये ड्राइव है और ये मोटर है। ये तो आप डायग्राम बहुत देखे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों क्या क्या फायदे हैं वो हम देख लेते हैं। ये एलिमिनेट्स न्यूसेंस ट्रिपिंग, ठीक है ना। तो दोस्तों, आपने देखा हो कभी कभी ड्राइव में जो है नॉइज की वजह से ड्राइव में ट्रिप हो जाता है, क्योंकि आप जैसे नॉइज उसमें घुसेगा तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो कभी कभी माल फंक्शन कर जाते हैं, उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और ड्राइव आपका ट्रिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस फॉल्ट की कंडीशन को भी ये रोकता है, आपका ट्रू पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव करता है ड्राइव। तो कभी कभी हम ड्राइव में ट्रू पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए भी चोक लगा देते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर की लाइफ को जो है दोस्तों ये बढ़ा देता है, यानी कि ड्राइव के अंदर जो भी आईजीबीटी है या डीसी ड्राइव के केस में एससीआर है उसकी लाइफ को ये बढ़ाता है। और ये हमारा वोल्टेज नॉचिंग जो है दोस्तों ये कि जो कि डीसी ड्राइव में ज्यादा होती है उसको कम करता है, ठीक है ना। एक तरह का सर्ज है जो कि जीरो की तरफ ले जाता है वोल्टेज को। तो कभी कभी वोल्टेज अचानक से दोस्तों जीरो की तरफ चली जाती है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है डीसी में, कभी कभी जब एक फेज का जो फायरिंग है वो बंद होने से पहले जब दूसरे फेज की फायरिंग चालू होती है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती है, वहां पे ये नॉचिंग आता है, उसको कम कर देता है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए डीसी ड्राइव में ये इनपुट चोक जो है वो मस्ट है, आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ड्राइव ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ठीक। और ये दोस्तों हार्मोनिक्स को भी बहुत कम कर देता है, तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को भी अगर आपको रिड्यूस करना है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन होती है उनको फॉलो करने के लिए आप ज्यादा हार्मोनिक्स जनरेट नहीं कर सकते, तो आपको इनपुट में चोक जरूर लगाना चाहिए, ठीक। और ये दो स्टैंडर्ड है दोस्तों, इनको ये कंप्लायंस करना चाहिए, इनको जो है फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो है वो चोक के लिए डिफाइन किए गए। इसमें क्या क्या है, जो पहला वाला है दोस्तों वो वोल्टेज और करंट के डिस्टॉर्शन की लिमिट को डिफाइन करता है। तो आपको जो है अगर आपका कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है तो ये ऑडिट में ये सब चीजें चेक होती है। तो आप जब भी चोक ऑर्डर करते हैं तो या फिर जो भी सप्लायर से आप लेते हैं तो उसको ये दो स्टैंडर्ड जरूर बताइए कि हमें ये दोनों कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो पहला वाला है दोस्तों वो वोल्टेज और करंट की डिस्टॉर्शन लिमिट को सेट करता है, दूसरा वाला जो है वो इलेक्ट्रिक सेफ्टी के लिए है, इलेक्ट्रिकल थर्मल एंड हजार्ड के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों स्टैंडर्ड को वो फुलफिल करना चाहिए, ऐसा चोक आपको लेना है, ठीक। चलिए, आउटपुट में लगाने से इसके क्या क्या फायदे हैं, ये देखिए ऐसा कुछ दिखता है, ये इसके फायदे क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ये मोटर का जो लॉन्ग लीड इफेक्ट है दोस्तों, लॉन्ग लीड क्या होता है कि अगर ड्राइव और मोटर के बीच का जो दोस्तों केबल है, डिस्टेंस है केबल की, वो अगर ज्यादा है 50 मीटर से ज्यादा है, तो ये जो केबल है दोस्तों इसके बीच में केबल टू केबल के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। तो जितना लंबा केबल होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस यहाँ पे डेवलप होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, चोक, ठीक है। ये रिएक्टर लगा दिया तो कैपेसिटर और रिएक्टर आपस में मिलके जो है वो उसके इफेक्ट को कम कर देता है, तो नॉर्मल कंडक्टर की तरह फिर ये बिहेव करेगा, यहाँ कैपेसिटेंस का कोई भी इफेक्ट आपको मोटर के ऊपर नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग इफेक्ट लीड इफेक्ट को कम करता है आउटपुट चोक। और जो सर्ज करंट है दोस्तों, जो करंट है कभी कभी लोड में अचानक से कुछ चेंज होता है तो करंट जो है अचानक से बढ़ जाती है या घट जाती है, ठीक है। तो उस सर्ज को कंडीशन को भी ये चोक जो है हमारा कंट्रोल करता है, करंट के चेंज को अपोज करके उसको स्मूथ कर देता है, ठीक। तो ये भी एक फायदा है, आपका ड्राइव अचानक से ओवरलोड पे ट्रिप नहीं होगा, बच जाएगा, ठीक। आपका प्रोडक्शन लॉस कम होगा, इसलिए आउटपुट में चोक आप जरूर यूज करें। आउटपुट वोल्टेज दोस्तों कभी कभी जो है वो अचानक से लोड की वजह से या जनरेशन जब कंडीशन आती है या इमरजेंसी मारते हैं या कभी कभी हम ड्राइव को अचानक से स्टॉप करते हैं तो अचानक से वोल्टेज वेरी कर जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये dB/dt यानी कि वोल्टेज के चेंज होने का जो रेट है उसको स्मूथ करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो इस जो दोस्तों अचानक जो करंट जो है वो तेजी से बढ़ती घटती है तो मोटर का टेम्परेचर भी
बढ़ने लगता है, तो उस इफेक्ट को कम करता है ये। मोटर का टेम्परेचर भी आपका नॉर्मल रहेगा और ये सेमीकंडक्टर की लाइफ को बढ़ाता है। ये इनपुट वाला चोक भी बढ़ा रहा था, ये भी बढ़ाता है, यानी इसके अंदर जो भी आईजीबीटी है उसकी लाइफ को ये बढ़ा देगा, ठीक है। और ऑडिबल मोटर नॉइज, यानी कि मोटर में जो हमिंग का साउंड आप सुनते हैं ड्राइव के थ्रू, जो मोटर चलती है उसमें नॉइज बहुत ज्यादा हमिंग आती है, तो उसको भी ये कम कर देता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मल्टीपल ड्राइव यूज करते हो दोस्तों, एक ही सोर्स है और कई सारे ड्राइव आप यूज करते हैं, यहाँ पर देखिए कॉमन सप्लाई है और कई सारे ड्राइव एक साथ लगे हुए हैं आसपास, तो आपको उनके बीच में चोक जरूर यूज करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि इस ड्राइव का जो भी डिस्टर्बेंस है वो इधर सोर्स के थ्रू इस ड्राइव में पहुंच जाएगा। अगर यहाँ पे चोक नहीं रहेगा तो क्या होगा कि इनका आपस में क्रॉस टॉक हो सकता है। तो क्या है कि अगर ऐसा कुछ एप्लीकेशन आपका है तो इनपुट में चोक जो है आप जरूर ही लगाएं, मस्ट लगाएं एकदम, ठीक है। या फिर कभी कभी हम एक ही ड्राइव से कई सारे मोटर चलाते हैं, उस केस में भी हमें आउटपुट चोक जरूर यूज करना चाहिए। और इस चोक का दोस्तों जो रेटिंग होगा वो सारी मोटर की रेटिंग को मिला के टोटल होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि मोटर का लोड ज्यादा हो जाएगा, चोक की रेटिंग आप एक मोटर के हिसाब से लगाएंगे तो चोक जल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोल्टेज स्पाइक प्रोटेक्शन क्या होता है, ये देखिए इनपुट में जो है दोस्तों इस तरह का कुछ स्पाइक आता है, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से बिजली गिर गई अगर कहीं पे तार के ऊपर तो अचानक से वोल्टेज स्पाइक मार जाता है, तो क्या होता है कि उसकी वजह से हमारा डीसी बस का वोल्टेज भी ये देखिए यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। तो कभी कभी ये बढ़ के ओवर वोल्टेज जो ट्रिपिंग लेवल है उससे भी ज्यादा हो जाता है, तो हमारा क्या है कि ड्राइव ओवर वोल्टेज फॉल्ट में भी ट्रिप हो सकता है, ठीक। लेकिन अगर आप चोक यूज करते हैं तो ये देखिए जो डैश डैश लाइन दिख रही है इसमें देखिए कोई भी स्पाइक नहीं आई, बहुत हल्की सी स्पाइक आई है और ये नॉर्मली आपका चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है इसको अवॉइड करने के लिए आप इनपुट में चोक जरूर यूज करें, इससे आपको फायदे होंगे। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितनी तेजी से, ये देखिए यहाँ पे कितना वेरिएशन हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चोक यूज करते हैं तो ये कितना स्मूथली चल रहा है, ठीक। तो इसके फायदे आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, फार्मूले की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज जेड, परसेंटेज जेड क्या है दोस्तों, परसेंटेज इम्पीडेंस ऑफ रिएक्टर, ठीक है ना। तो दोस्तों हम मार्केट में दो तरह के रिएक्टर हम यूज करते हैं, 3% और 5%, मोस्टली यही दो यूज होते हैं। 3% का मतलब ये है कि वो रिएक्टर जो है हमारा, जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं उसको 3% ड्रॉप कर सकता है, ठीक है। मैक्सिमम 3% तक वोल्टेज वो ड्रॉप करेगा, 5% वाला जो है वो मैक्सिमम 5% वोल्टेज आपका ड्रॉप करेगा। यानी कि आप अगर आप परसेंटेज इम्पीडेंस दोस्तों जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो आपका जो वोल्टेज है वो कम होता जाता है। तो अगर आप ज्यादा परसेंटेज इम्पीडेंस ले लेंगे तो क्या होगा कि आपका ड्राइव अंडर वोल्टेज पे ट्रिप हो सकता है या फिर अंडर वोल्टेज फॉल्ट कंडीशन उसमें बीच बीच में आ सकती है, ठीक है ना। तो देखिए फार्मूले में कुछ नहीं है, जो जो कौन सा क्या है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये सब वैल्यू को आप पुटअप करके परसेंटेज इम्पीडेंस निकाल सकते हैं, या परसेंटेज इम्पीडेंस अगर आपको पता है तो इसमें से आप इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। एफ की जगह पे आपको 50 या 60 रखना है, जो भी आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आप सप्लाई ले रहे हैं वो। ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है, जो भी आपका 415 440 जो भी है वो यहाँ पे रखना है। तो आपको इस फार्मूले में जो कुछ चाहिए वो आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों आपको परसेंटेज इम्पीडेंस पता है तो आप वोल्टेज ड्रॉप भी यहाँ पे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, देखिए, ठीक है ना। आप निकाल सकते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, आप 415 अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइव को कितना मिलेगा, 5% है तो कुछ 5% कम आएगा। तो आप इस फार्मूले से परसेंटेज ड्रॉप वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये परसेंटेज इम्पीडेंस कम होगा तो क्या होता है, देखिए अगर आपका कम रहेगा तो वो करंट की जो पीक है उस लिमिट को उसको वो कम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना दोस्तों। करंट जो है वो सर्ज करंट जो है वो बढ़ सकती है अगर आपका वैल्यू बहुत कम है तो, अगर बहुत ज्यादा है तो आपका वोल्टेज को ड्रॉप कर सकता है। इसलिए हम उसके बीच में लेते हैं, यानी 1 से 5 के बीच में लगभग 3% वाला हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसका इफेक्ट आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम परसेंटेज बढ़ाते जा रहे हैं ये नीचे, ये देखिए 5% तक बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो हमारा डीसी बस का वोल्टेज है वो ये देखिए घटता जा रहा है, ठीक है ना। वो ज्यादा नहीं घटता है लेकिन हम यहाँ पे 3% वाला यहाँ पे मोस्टली ये वाला यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत वोल्टेज ड्रॉप होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है, ठीक। तो चलिए हम यहाँ पे गलती क्या करते हैं, अब चोक लगाते समय बहुत सारी हम गलतियां भी कर देते हैं, कभी कभी जरूरत नहीं है फिर भी लगा देते हैं, तो कब कब हमें लगाना चाहिए कब कब नहीं लगाना चाहिए, चलिए वो भी देख लेते हैं। कुछ कुछ दोस्तों ड्राइव होता है जो उसके डीसी लिंक में जो है वो इनबिल्ट चोक होते हैं, तो वहां पे हमें इनपुट चोक लगाने की जरूरत
नहीं होती, अगर आप लगाएंगे तो वो वेस्टेज ही है एक तरह का, ठीक है। तो आप ड्राइव जो मैन्युफैक्चरर है उससे आप पूछ लें कि इसके अंदर, या उसके कैटलॉग में पढ़ लें कि इनबिल्ट चोक उसके अंदर है क्या, अगर है तो फिर जरूरत नहीं है इनपुट चोक की, ठीक, नहीं है तो फिर लगाना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और या फिर अगर आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज कर रहे हैं ड्राइव के पहले, तो भी आपको इनपुट चोक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसके भी आप मत लगाइए, वो भी आपका वेस्टेज ही होगा, ठीक है। या फिर हार्मोनिक फिल्टर आपने लगा रखा है ड्राइव के पहले, तो भी आपको इनपुट चोक लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। या आपका वोल्टेज जो आ रहा है वो बहुत वीक है, जैसे कि आप कोई छोटा मोटा जनरेटर लगाए हैं और उससे मोटर चला रहे हैं, तो आपको चोक की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप पावर ग्रिड से ले रहे हैं, आपका बड़ा डीजी है, तो ही ये आप लगाएं, ठीक है ना। या फिर आप अगर रिएक्टर का साइज जो है वो बराबर चूज नहीं करते हैं, तो भी वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, खुद चोक ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, आपको ड्राइव को ट्रिप कर देगा या फिर चलने ही नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये जो है कुछ गलतियां हम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए। ये देखिए कुछ एग्जांपल मैंने ले लिए यहाँ पे, ये फंडामेंटल एम्पियर है, यानी कि करंट रेटिंग क्या है आपका ड्राइव का, वो अब मैक्सिमम करंट जो है दोस्तों ये रहेगा, ये कितना इंडक्टेंस निकल के आता है, ये उसमें कुछ लॉसेस भी होंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने 3% वाले एग्जाम्पल कुछ दिखा दिए हैं, ये देखिए यहाँ पे करंट के हिसाब से कैसे कैसे इंडक्टेंस आपका कम होता जा रहा है और लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 1000 एम्पियर का, ये मैंने 3% के हिसाब से लिया है, रीडिंग में कुछ इधर उधर भी हो सकता है, तो आप जो है वो जो फार्मूला बीच में आया था उसके हिसाब से कैलकुलेट करके आप अपना डिजाइन करें, ठीक है। ये देखिए, और उसका इंसुलेशन क्लास दोस्तों जो है वो एच या फिर एन होना चाहिए, एच में होता है 180 डिग्री तक टेम्परेचर चलेगा और एन में 200 डिग्री तक चलेगा, इससे नीचे का आप ना यूज करें तो अच्छा है। चलिए ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर वेयर कर दीजिए, लाइक वाइक कर दीजिए, थैंक यू।